पूजा पुराना जीटी रोड बस स्टैंड को भारतीय किसान यूनियन ने काफी मात्रा में ट्रैक्टर लगाकर जाम कर दिया है। काफी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक बंसी सिंह पहाड़िया कांग्रेस के लोगों को लेकर किसान यूनियन के साथ गए। पूजा और ऐसे पूजा किसान यूनियन वह कांग्रेस के लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। बुलंदशहर पूजा पुराना जीटी रोड बस केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन और किसान संगठनों ने जो देश में बंद का आह्वान किया है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया जी ने, हमारी यूपी प्रभारी प्रियंका जी का साफ निर्देश है कि कांग्रेस का एक एक बच्चा जो कांग्रेस में विश्वास रखता है वो किसान यूनियन को सहयोग करे, उनके आंदोलन को धार देने का काम करे। और हम इस किसान यूनियन के माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से भारत सरकार के हिटलर प्रधानमंत्री को ये बताना चाहते हैं कि जनता के आगे हम भी विधायक रहे हैं और हमने देखा है, माननीय स्पीकर साहब का निर्देश होता है कि सदन कानून से चलता है और सदन परंपराओं से चलता है। भारत की जनता इस किसान विरोधी बिल का विरोध कर रही है, सरकार को किसानों के संशोधन को स्वीकार करना चाहिए, हमारी ये मांग है। वो चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जिस तरह का ढोंग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसान यूनियन के साथ मिलकर उनका पुरजोर विरोध करेगी। सड़कों पे उतरे हैं, यदि रेल जाम करना पड़ा और दोबारा आह्वान किसान यूनियन का हुआ या हमारी कांग्रेस पार्टी का, तो हम सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएंगे। वो किसान बिल जो आया है अभी शासन के द्वारा, उसके विरोध में इन लोगों ने यहाँ पे एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था और ज्ञापन सौंपा है अभी हम लोगों को, जिसे हम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सक्षम अधिकारी को पहुँचा देंगे। और इन्होंने यहीं पे एक सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है और अभी फिलहाल सारा का सारा रोडवेज का और पूरा एरिया सारा खुला हुआ। हमने प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन खुर्जा SDM महोदया जी को सौंपा है और इनका आश्वासन पे ही इस किसान ने धरना समाप्त किया है। मामला ये है, 12 दिन हो गए, 12 दिन से किसान भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है मच्छरों में दिल्ली बॉर्डर पर। आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये घूम कर नहीं देखा कृषि मंत्री जी ने कि किसान क्यों परेशान है, हकीकत में क्या मामला है। उनको कम से कम ये तो करना चाहिए था, कम से कम उनकी आवाज़ को, उनकी बात को सुने क्या मामला है। लेकिन सही मुद्दा उठाने में समर्थन जो लोग कर रहे हैं उन पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, उनको नज़रबंद के अंदर किया जा रहा है, जबकि सरकार ने ये कहा कि 1 तारीख को या फिर 3 तारीख कर दी, फिर 5 तारीख कर दी, अब 9 तारीख कर दी, क्या ड्रामा है। क्या हमने भी यही कहा कि हम वोट नहीं देंगे, आज हम तो 1 महीने बाद देंगे, सोच लें। किसान मजदूर ने तो कभी नहीं कहा कि पहले सोच लें जब वोट देंगे आपको। इस जनता ने पूर्ण समर्थन आपको दिया है और आपको एकदम निर्दलीय सुना है एक तरीके से। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर।